अरब देशों के प्रतिबंध के बाद टूरिज्म को बढ़ावा देने के मकसद को लेकर कतर ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, जिसमें कतर ने 80 देशों के नागरिकों को बिना वीजा के एंट्री देने की घोषणा कर दी है। भारत के अलावा ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देश इसमें शामिल हैं। लेकिन इस सूची में पाकिस्तान को कोई जगह नहीं दी गई है, जबकि सूची में शामिल देशों के नागरिकों को कतर आने के लिए कोई वीजा आवेदन, साथ ही उन्हें एंट्री मिलते ही विशेष छूट भी दी जाएगी। लेकिन इसके लिए आपके पास पासपोर्ट और वापसी का टिकट अनिवार्य होगा। कतर टूरिज्म प्राधिकरण ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा, वीजा मुक्त यात्रा के आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। साथ ही 80 देशों के नागरिकों को बिना वीजा देश में प्रवेश की अनुमति देने के साथ ही कतर सबसे आजाद क्षेत्र बन गया है। 33 देशों के नागरिकों को 180 दिनों तक कतर में रहने की इजाज़त होगी, जबकि बाकी 47 देशों के नागरिक यहां सिर्फ 30 दिनों तक ही रह पाएंगे। आपको बता दें कि जून 2017 में सऊदी अरब और बहरीन समेत 7 खाड़ी देशों में कतर ने अपने रिश्ते खत्म करने का ऐलान किया था। इन देशों में कतर पर ईरान का समर्थन, क्षेत्र में अशांति फैलाने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद इन देशों ने कतर के साथ डिप्लोमेटिक रिश्तों के साथ जमीन, समुद्र और हवाई रिश्ते खत्म करने की घोषणा की थी, जिसके बाद अब कतर अपने यहाँ टूरिस्ट के आवागमन को बढ़ाने के लिए ये कदम उठा रहा है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।